आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति व सत्य साई शांति विद्या विहार स्कूल के संचालक विनोद शांतिलाल शर्मा पर 29 सितंबर को झूठे छेड़छाड़ के आरोप उनके ही घर में काम करने वाली महिला ने बाणगंगा थाने में दर्ज करवाया था। श्री शर्मा की अग्रिम जमानत माननीय हाईकोर्ट द्वारा 22 अक्टूबर को दी गई। श्री शर्मा को झूठे आरोप लगाकर फंसाने की निंदा करते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों व समाजजनों ने डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र के समक्ष उनके निर्दोष होने की बात कही। सबने एक स्वर में कहा कि अगर शर्मा जैसे व्यक्ति धोखेबाजी का शिकार हो सकते हैं, उन पर झूठे आरोप लग सकते हैं, तो समाज के सामान्य व्यक्ति तो कभी भी परेशान हो सकते हैं। इसीलिए श्री शर्मा के साथ शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने डीआईजी से स्वतंत्र जांच की मांग की है तथा सबने कहा कि शर्मा जी निर्दोष हैं, जांच में स्पष्ट हो जाएगा, हम उनके साथ हैं। डीआईजी को जांच के आवेदन देने वाले में मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, बिहारी सोशल समिति, विश्वकर्मा एकीकरण अभियान समिति, प्रांतीय विश्वकर्मा समाज महासभा, पूर्वोत्तर सांस्कृतिक संस्थान, अवध सांस्कृतिक संस्था, सर्व विश्वकर्मा ब्राह्मण संघ, अखिल भारतीय विश्वकर्मा विराट संघ आदि संगठनों के प्रमुख मौजूद थे। श्री शर्मा ने भी अपनी बेगुनाही को सिद्ध करने के लिए पार्टी स्तर पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष विनय बाखरीवाल एवं क्षेत्र के विधायक संजय शुक्ला से जांच की मांग की है तथा निर्दोष होने पर पुनः पद पर रखने व सम्मान सहित पार्टी में स्थान देने की बात कही है। मैं 14 ऋषि नगर बाणगंगा क्षेत्र में रहता हूँ। मेरा नाम विनोद शर्मा है, मैं एक विद्यालय संचालक हूँ। पिछले महीने 29 तारीख को हमारे ऊपर एक महिला ने सीमा नाम के एक निर्धार करके आरोप छेड़छाड़ के आरोप लगाई है, जो कि ऐसा नहीं है। मैं इस प्रकरण को डीआईजी महोदय के पास में आया हूँ, इसको निष्पक्ष जांच चाहता हूँ कि जांच करने के पश्चात जो भी दोषी पाए जा रहे हैं, जो हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है, उसको कानूनी कार्रवाई किया जाए। एसोसिएशन के सदस्य लोग आज डीआईजी साहब से मिले हैं और हमारे संचालक बंधु श्री विनोद जी शर्मा के ऊपर एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। हमने डीआईजी साहब से मांग की कि हमारे जो शर्मा जी हैं वो समाज सेवी व्यक्ति हैं और इन पर गलत आरोप लगाया गया है और इसलिए इसकी निष्पक्ष जाँच हो कोई दूसरे अधिकारी से, ही हमने निवेदन किया है। डीआईजी साहब ने उसे स्वीकृत किया है और जल्दी जाँच जी और अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्कूल संचालन करते हैं। अभी निकट भविष्य में पार्षद का चुनाव होने वाला है, इसमें राजनीतिक द्वेष के कारण इनके ऊपर झूठा केस लगवा दिया गया है। डीआईजी साहब से निवेदन किया गया है कि इसका बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी पता लगा लिया।